ये है बाहरी दिल्ली का डीएम ऑफिस। अपने ऑफिस में डीएम संजय गोयल मीटिंग में व्यस्त, तभी सांसद उदित राज के सेक्रेटरी परमिंदर करीब 90 लोगों के साथ जबरन अंदर घुसते हैं। डीएम साहब की माने तो अंदर आकर उनका फोन छीनकर उनसे मारपीट शुरू कर दी गई। सिक्योरिटी में तैनात सिविल डिफेंस का जवान बीच बचाव में आया तो उसके साथ भी मारपीट हुई। सेक्रेटरी हूँ और कम से कम 200 पब्लिक को साथ में ले रहा था, एकदम जो है डीएम साहब के ऑफिस में घुस के सारे रोकने से रुके नहीं, वहाँ जाके डीएम साहब को जो है ना उन्होंने घेर लिया। अगर आप यहीं बैठे रहो, यहाँ से कहीं नहीं रहोगे, कहीं फोन नहीं करोगे, नहीं तो आपके हाथ पैर तोड़ दूंगा। दरअसल पूरे मामले की जड़ फूट कला गांव की सरकारी जमीन है, जिस पर कुछ लोग जबरन कब्जा कर रहे थे और डीएम ने उसे ऑर्डर देकर खाली करा दिया। डीएम का आरोप है कि सांसद उदित राज के सेक्रेटरी परमिंदर उस जमीन पर कार्रवाई न करने का बार बार दबाव बना रहे थे। टेबल जंप करके तरफ आ गया एंड अटैक मी। तो इन द मीन टाइम क्योंकि मेरा पीएसओ सिविल डिफेंस के कुछ लोग वो सब माजरा देख ही रहे थे, तो वो अंदर ही थे, एसडीएम भी अंदर था, तो उन्होंने तुरंत उसको साइड में करके उसको ले गए और बाहर ले गए, तो अभी शायद अरेस्ट किया। इस पूरे घटनाक्रम में और भी लोग अंदर थे इन लोगों के साथ में, तो मेरा एक सिविल डिफेंस का जो स्टाफ है जो हमारे एसडीएम के साथ में पीएसओ ड्यूटी पर है, उसके भी एक रिब में फ्रैक्चर हो गया। उधर हमलावर पक्ष का आरोप है कि डीएम ने उनके साथ बदतमीजी की थी। डीएम दफ्तर के स्टाफ ने भी मुलाकातियों के साथ बदतमीजी की। पूरे मामले की जांच कंझावला पुलिस कर रही है। दोनों तरफ के लोगों का मेडिकल करवाया गया, जांच के बाद घटना की सच्चाई सामने आएगी। लेकिन देश की राजधानी में इस तरह किसी अधिकारी पर उसके कार्यालय में हमला करना हैरान करने वाला है। टोटल न्यूज़ के लिए दिल्ली से हर्षित मिश्रा की रिपोर्ट।